वेलकम टू एवरी वन इन माई यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस एस 88। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे डिवाइजिबिलिटी रूल, यानी कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या किस नंबर से डिवाइजेबल है या नहीं है। और ये डिवाइजिबिलिटी रूल इसलिए पढ़ाया जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम चल रही है, अभी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, वो सभी में डिवाइजिबिलिटी रूल पूछ देती है। तो क्या है फ्रेंड्स, बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो हम उसको डिवाइड करने लगते हैं, डिवाइड करने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते करते क्या है, पता चलता है कि टू से डिवाइजिबल नहीं है, रिमाइंडर बच गया। फिर थ्री से करते हैं, थ्री से भी रिमाइंडर बच गया। इस प्रकार बहुत सारे प्रोसेस करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें इस प्रकार की लॉन्ग डिविजन मेथड करना नहीं है, हमें एक रूल्स है, उस रूल्स को याद रखना है और उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें चेक करना है कि टू से नंबर डिवाइड है या नहीं कोई भी नंबर, तो सबसे पहले टू का रूल्स है कि अगर जिसके लास्ट में लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 और इवन नंबर, इन्हीं ये सभी नंबर को ही इवन नंबर बोलते हैं, या 0, 2, 4, 6, 8 बोले या इवन नंबर बोले। तो जिसके लास्ट में इसमें से कोई भी नंबर मैच हो जाए तो समझना चाहिए कि वो दो से पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइजेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एस लिखा हूँ 4250। फ्रेंड्स, लास्ट नंबर इसका मिलाइए, लास्ट नंबर क्या है, 0, इसमें से मिल गया तो ये टू से डिवाइजेबल है, अगर नहीं मिला तो टू से डिवाइजेबल नहीं है। यानी कहा जाए फ्रेंड्स, अगर जिसके लास्ट में इवन नंबर होगा तो टू से डिवाइजेबल होगा, नहीं तो ओड नंबर होगा तो टू से डिवाइजेबल नहीं होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे, इसके लास्ट में क्या है फ्रेंड्स, 4, इसका मतलब ये भी इससे मैच करता है तो 4 टू से डिवाइजेबल है। इसके लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में 6 है जो मैच कर रहा है, तो इस प्रकार से ये भी 2 से डिवाइजेबल है। तो हम कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं ETC एक्स्ट्रा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 3 से डिवाइजेबल का रूल। तो फ्रेंड्स, 3 का डिवाइजेबल रूल ये हमें कह रहा है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी सभी संख्या को जोड़ दें एंड डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड दे। अगर 3 से डिवाइड देने पर वो कम्प्लीटली कट जाती है 3 से, तो पता चल जाएगा कि ये जो नंबर दिया गया है, कितना बड़ा भी नंबर हो तो 3 से कटेगा। जैसा कुछ एग्जाम्पल के लिए लिया है फ्रेंड्स 4800। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 4 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, 0 ऐड करो या ना करो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो क्या करना है, इन सभी को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना हुआ 4812, 12, 6, 18, 0 को ऐड करो या ना करो, 18 आया फ्रेंड्स। अभी से 18 को क्या करना है, देखिए 18 को रफ करना है, 18 को डिवाइड देना है 3 से, जिससे चेक कर रहे हैं। तो 3 6 18, यानी 3 का टेबल में कट जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 3 से पूरी तरह से डिवाइड है। अब देखेंगे कुछ बड़ा सा नंबर, तो इसको आप डिवाइड करने के चक्कर में टाइम वेस्ट ना करें। क्या करना है फ्रेंड्स, इस नंबर सभी नंबर को ऐड कर लेना है, 0 ऐड करो या ना करो। तो ऐड करेंगे तो कितना आया फ्रेंड्स, 33 को डिवाइड करना है 3 से, जिससे चेक कर रहे हैं, 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, पूरी तरह से कट गया। तो हम कहेंगे कि ये नंबर कम्प्लीटली 3 से डिवाइजेबल होगा ETC। इस प्रकार के बहुत सारे नंबर हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट 4 से डिवाइजेबल का रूल क्या है। तो 4 से कटने का रूल है फ्रेंड्स, लास्ट का 2 डिजिट लेना है, लास्ट का 2 नंबर लेना है, या तो लास्ट में 00 हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट का 2 डिजिट ले लेंगे और उस लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो कम्प्लीटली 4 से कट जाएगा तो ये कितना बड़ा भी नंबर हो 4 से कटेगा। जैसा कुछ एग्जांपल के लिए लिया हूं मैं, लास्ट में क्या है फ्रेंड्स, 2 और 4, 2 और 4 को लास्ट वाले नंबर को ले लेना है, 2 नंबर लेना है, केवल 2 नंबर, 1, 2, और इसको 4 से डिवाइजेबल करेंगे, 4 6 जा 24, 4 से कट गया, इसलिए हम कहेंगे कि ये 4 से डिवाइजेबल है। अब देखेंगे फ्रेंड्स लास्ट में क्या आया, 00, 00 का 4 से कोई डिवाइड करना नहीं है, 00 जैसे ही आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो 4 से डिवाइजेबल है, कम्प्लीटली डिवाइजेबल है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका लास्ट में क्या है, 64, तो 64 दो अंक ले लिया, इसको 4 से काटो, ऐसा नहीं सोचने का कि 4 का टेबल में नहीं आता, उसको डिवाइड देना है, 4 बन जा 4, 2 बचा 2 पे 4, 4 6 जा 24, कट गया, इसलिए अब कहेंगे कि ये 4 से डिवाइजेबल है। अब चलते हैं फ्रेंड्स
फाइव का रूल्स क्या होता है? तो फाइव का रूल्स है कि लास्ट का नंबर, लास्ट डिजिट जीरो या फाइव हो, दोनों में से कोई भी होगा तो कंप्लीटली फाइव से डिवाइजेबल होगा। जैसा फ्रेंड्स देखिए लास्ट लिख रखा है मैंने 56285, इसके लास्ट में क्या है फ्रेंड्स? 5, इसलिए हम कहेंगे कि 5 से डिवाइजेबल है। इसके लास्ट में देखिए 0, ये भी 5 से डिवाइजेबल है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, इसके लास्ट में क्या है? 5, ये भी 5 से डिवाइजेबल है। चाहे कितना बड़ा नंबर है, हमें लास्ट नंबर देखना है, 0 या 5 कोई भी मैच करेगा तो 5 से डिवाइजेबल होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये 6 का डिवाइजेबल रूल क्या होता है। तो 6 से वही नंबर कटेगी जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगी, तो क्या करेंगे? देखिए फ्रेंड्स एक क्या करना है, इसको पहले चेक करना है 2 और 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर 2 3 से कटेगा तभी 6 से कटेगा। जैसा कि देखिए 2 से चेक करने का सिस्टम क्या है, लास्ट में 02468, तो फ्रेंड्स देखा गया कि लास्ट में 4 है यानी ये 2 से कटेगा। अब क्या करना है चेक 3 से, 3 से कटने का रूल है सभी को जोड़ देना, तो जोड़ लीजिए 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 6 18, 18 टू 20, 20 और 4 24, 24 को 3 से डिवाइजेबल करेंगे तो 3 8 जा 24 कट गया, इसका मतलब 2 से भी कटा और 3 से भी कटा, तो इस प्रकार से 6 से डिवाइजेबल होगा तो बोला जाए। अब देखा जाए फ्रेंड्स देखना है 2 से 3 से इसको भी चेक करना है, लास्ट में 0 है इसका मतलब है 2 से कटेगा, और 3 से चेक करना है तो जोड़ लीजिए 9615, 3 से डिवाइजेबल है इसलिए कह सकते हैं 2 का भी डिवाइजेबल है और 3 का भी, इसलिए हम कहेंगे कि 6 से भी डिवाइजेबल होगा। इसके देखिए फ्रेंड्स 2 से चेक करना है तो 2 से चेक करना है तो लास्ट नंबर देखिए, 2 से चेक करने का सिस्टम क्या होता, लास्ट नंबर 6, इसका मतलब 2 से कटेगा, और 3 से चेक करने का रूल्स क्या है, सभी को ऐड करो 9 को 13, 13 टू 15, 15 और 6 21, जो 3 से कटेगा, इसलिए हम कहेंगे कि 6 से भी डिवाइजेबल है। 6 से डिवाइजेबल का मतलब ही होता है 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 से कटे और 3 से ना कटे तो 6 से डिवाइजेबल नहीं होगा, दोनों नंबर कटना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट के लिए 7 से डिवाइजेबल का रूल। तो 7 से लिए हम लोग क्या करेंगे,